आपने क्या सीखा बताओ? थोड़ा बहुत सीखा, आया कहाँ अभी। तो इस फोटो पे करीब 455 लाइक आए हैं और 234 कमेंट आए हैं। तो इस फोटो से हमको एक चीज सीखने को मिली है। एक सो गाइज, वेलकम टू ए न्यू डे। तो हमने कल एक नया वो किया था कि मैं सोचता कि हम लोग डे बाय डे एक बार ब्लॉगिंग करना ट्राई करें। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब कि पूरा एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा ये तो अभी मालूम नहीं हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि उसको आप लाइक करते हैं नहीं करते हैं, तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा वरना नहीं कंटिन्यू करूंगा। तो फिलहाल अभी वीडियो अपलोड पे करने लगाई हुई है मैंने। एक्चुअली क्या हुआ कि कल रात हो गई थी काफ़ी देर, मैं एक्चुअली जल्दी उठता हूँ, जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ, ये मेरी मतलब वो है थोड़ी बचपन से आदत है। सो मैं रात को जल्दी सोता हूँ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये मतलब मेरा पूरा बचपन से फंडा है। तो मैंने कल रात अभी सुबह 4 बजे उठा, 4 बजे से उठ के वीडियो किया एडिट, 6:30 बजे तक वीडियो हुआ एडिट, उसके बाद क्या है अभी लगाया है अपलोड पे। तो आज का दिन हम लोग, सो गाइड आज का दिन शुरू करते हैं इस नए ब्लॉग के साथ, आदि ब्लॉग्स में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो आज देखिए, मैंने कहा सुबह सुबह ये वाला काम कर लो, उसके बाद क्या होता है कि वीडियो अपलोड करने वाला काम कर लो, उसके बाद क्या होता है कि दिन बिजी हो आता है, फिर आदमी के पास टाइम नहीं आता है, फिर वही शाम आती है, फिर वीडियो। क्योंकि मैं एक्चुअली ये था कि मेरा ये टारगेट था कि 9 बजे मैं इसे अपलोड करके पब्लिक कर दूँ वीडियो को, ताकि आप लोग तक जल्दी से पहुंच जाए। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होता है कुछ खास, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मतलब होता ही है जिंदगी में, लाइफ है, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी में, तो वो है। तो प्लीज अभी क्या है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है, बाहर जाइए। मैं बाहर जाने के लिए मना नहीं, क्योंकि बगैर बाहर जाए आधे लोग के काम होंगे नहीं, क्योंकि अगर आपको कुछ मार्केट संभालना है तब भी आप ले आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। और जो लोग नौकरी करने वाले हैं उनको तो बाहर जाना ही जाना है भाई, वो घर के अंदर बैठ के पैसे तो कमा सकते हैं नहीं। तो प्लीज बस बाहर रह के सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए और सैनिटाइजर का बिल्कुल अपना यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों से दूरी बना के रखिए, केस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, अपने परिवार को अपनी फैमिली को बचाइए कोरोना से। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मम्मी पापा लोग जा रहे हैं मंदिर, कल हम पापा के लेके आए थे ये ऊपर एक अपर और एक ये, फिर हम पापा कह रहे थे जेब नहीं है, जेब नहीं, मैंने कहा नहीं इसमें चेन रखी हुई है, चेन लगी हुई है तो जेब आ जाएगी, तो इसमें जेब भी है आराम से। तो ये हम कल पापा के लिए लेके आए थे। अब पापा देखो बिल्कुल लग रहे हैं ऐसे 70 साल के हैं, लेकिन अब इसको पहन के लग रहे हैं 50 साल के। और मम्मी और पापा जा रहे हैं, व्रत है ना आपका? हाँ, मम्मी पापा का है व्रत, पहला सोमवार का व्रत है और पापा का पूर्णिमा का व्रत है। आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं हर बार। यहाँ बनना है नाश्ता भैया, क्या क्या है ये? ये तो वही है ऑलमोस्ट वाली भांग की चटनी, इसमें क्या रखा हुआ है यहाँ का? ट्राई करें, दही है। अच्छा दही है। और ये आलू का पराठा, प्याज का? आलू का पराठा। तो इधर देखिए हम पराठा लेके बैठते हैं, थोड़ा अपना लैपटॉप में कुछ देर काम करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर आगे चलते हैं, देखिए क्या करते हैं। और तो किसी का ये रिप्लाई आया था कि इसका नाम है गोदावरी, इस फूल का नाम। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा वेटेड हो गया था ना ये फूल, तो अभी क्या हुआ कि मम्मी पापा लोग जब शाम को नीचे वॉक पर गए हुए थे, तो वो लोग उस गांव से लेके आए हैं लकड़ियाँ, तो हमने इसको सहारा देने के लिए ना ये लकड़ियाँ इसके सहारे पर लगा दी हैं। और मैंने एक छोटी सी रस्सी, लकड़ियों से निकाली हुई रस्सी है, ऐसे करके ऐसे लकड़ियों के बीचों बीच बांध दिया, ताकि अभी चारों ओर को लटके ना और वेट के कारण कहीं टूटे ना। तो ये फूल देखिए काफ़ी अच्छा खिल गया है, अभी ये जो बीच में और पूरा खिलेगा ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा, और इसमें बहुत सारे फूल आ रहे हैं एक साथ साथ में। देखिए ये वाला फूल भी काफ़ी ज़्यादा खिलने लग गया है अभी, ये अभी इसके इसी का ही जो बिल्कुल पहला लेना है, तो उसमें रेड कलर का फूल आएगा ये ऐसे। कल वाला वीडियो देख के ना पापा आज इंस्पायर हो गए हैं, आज पापा पूरा, कल मम्मी पढ़ी थी राम जी माँ, आप पापा पापा पढ़ने लगे हुए हैं। कल वाले वीडियो में उनको देख के ऐसा लगा शायद कि मेरी बेइज्जती हो रही है कि मैं यहाँ फेसबुक देख रहा हूँ, तो आज रामचरित मानस सुबह से पापा पढ़ने में लगे हुए, कह रहे हैं आप व्रत है तो पूरे दिन यही पढ़ूंगा। क्या क्या लेके आना बताओ? ठीक है बेटा, कल मम्मी पढ़ ली थी रामायण, आज पढ़ रहे हैं पापा, देखो वो। चलो हम लोग निकलते हैं, थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट मेरे को भी थोड़ा थोड़ा काम है। इनको बाहर से बंद करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट ही लिफ्ट फिर से खराब, तो मुझे बाय वॉक जाना पड़ेगा नीचे।
चलो वैसे कभी कभी सीढ़ियाँ उतर चढ़ के भी अपनी क्या होता है, एक्सरसाइज होती है। थोड़ा मौसम होता, देखिए थोड़ा मौसम सुबह तक बहुत ज़्यादा ठंडा था, अभी हल्की हल्की धूप दिखाई देने लग गई है। ये देखिए, सो आज हम लोग जाएंगे बाइक से। थोड़ा मेरे को ये भी है ना, इसका जो ये इंडिकेटर है ये किसने खींच दिया, तो ये ऐसे खुल गया या खड़ा, ये टूट गया तो नहीं क्या हुआ, तो ये भी मेरे को हीरो के शोरूम में जाके नया लगाना है। तो मेरा क्या हो जाएगा, बाइक वरना नाराज़ हो जाएगी भैया कि पता नहीं अभी बहुत दिन हो गए बाइक को मैंने स्टार्ट ही नहीं किया हुआ है, तो अभी देखते हैं। चलो स्टार्ट होगी भैया, बगैर कुछ किए बाइक होगी स्टार्ट। तो यह है सोसाइटी, देखिए एक बंदा बाहर नज़र नहीं आ रहा है। मेन रीज़न ये भी है उसका कि मेन रीज़न ये है कि ठंडा बाहर बहुत है, हवा क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, बाकी तो आदमी सब कुछ निपटा लेता है लेकिन ठंडा का कहानी बहुत ज़्यादा है। कल से खबर यह है कि कोरोना के जो केस हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं दिल्ली और मुंबई में, लेकिन थोड़ी टेस्टिंग कम हो गई है क्योंकि ICMR की नई गाइडलाइन के आपसे जिस बंदे के मतलब कोई कॉन्टैक्ट में, अगर कोई कोरोना पेशेंट के कॉन्टैक्ट में कोई आया है दूसरा बंदा, अगर उसके अंदर लक्षण नहीं है तो उसका टेस्ट नहीं करेंगे, उसका कोविड टेस्ट नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट बोल रही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, थोड़े बहुत केस हो गए हैं कम जो मतलब कल से हैं, तो थोड़ा मुंबई और दिल्ली में डाउन दिखा रहे हैं। लखनऊ में भी अभी करीब 2,000-2,500 केस पर डे आ रहे हैं, तो लेकिन मौसम बहुत ठंडा है आज। मुझे एहसास हो रहा है ग्लव्स लेके आया कि इसमें भी ठंडा काफ़ी लग रहा है। हाँ, मैं बाइक बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ, थोड़ा अटपटा टाइप का लग रहा है बाइक चलाना। पहुँच गया हम लोग हीरो के शोरूम में, इंडिकेटर लगवाता हूँ, उसके बाद देखते हैं तो बचे हुए काम निपटाते हैं। ये बोला कि भैया नया इंडिकेटर मत लगाओ, उन्होंने क्या किया फेविक्विक से थोड़ा वैसा जुगाड़ कर दिया चिपका के, तो उनका ये बोलना है कि भैया फेविक्विक अभी लगा लो, उसके बाद कभी अगर इंडिकेटर टूटेगा तो तब चेंज करना, क्योंकि इंडिकेटर सही है, उसका जो ग्रोमेट है वो थोड़ा लूज हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि अपनी गाड़ी का जो हैंडल बार है ना थोड़ा रेज कर दूँ, थोड़ा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा तो मेरे हैंडल की पोजिशन यूँ आएगी थोड़ा ऊपर, तो उससे कहा सामने का व्यू ना जो बार बार कम ज़्यादा हो जाता है तो वो व्यू सही हो जाएगा। लोग बगैर इंडिकेटर के ना मुड़ जाते हैं यहीं पे, तो ऑलमोस्ट एक काम मेरा हो गया, तो बाकी का सामान लेते हैं पहले। तो पहले लेने हमको फूल, यहाँ पर से हमको फूल मिल जाएंगे, जा फूल लेना, फूल फूल 20 रुपए के। तो नियारिका ने सामान लिखा हुआ है, केला, फूल, चाय पत्ती, दूध, प्रसाद, मक्के का आटा, 100 ग्राम मावा भी लाना है और 500 ग्राम गाजर भी लानी है। ये किनारे किनारे भालू है ना, तो जब वैलेंटाइन लेगा तो निहारिका के भालू यहीं से घेर के लेके आऊँगा। तो बाकी सामान ले लिया है, अब बचा है परचून की दुकान का, जो है चाय पत्ती है और मक्के का आटा है,
तो यहाँ से लेना पड़ेगा, ज़्यादा हो जी के यहाँ से। तो कल को मंगलवार है, कल ही को ये ब्लॉग भी आएगा, तो मंगलवार के हिसाब से मम्मी पापा लोग सुंदरकांड करते हैं ना हर मंगलवार को, तो उसका प्रसाद लेना है और लेना है थोड़ा सा खोया, खोया यानी कि मावा। तो यहाँ ज़्यादा दूध डेयरी वाले के यहाँ से खरीदते हैं ये सामान भी। देखा ना अभी आपने, अभी से लग गया ठंडा बाहर निकल के, अभी तक स्टार्ट हो गई थी, अब इसमें किक मारनी पड़ेगी। देखो एक किक में स्टार्ट आती है, ऑलमोस्ट सारा सामान हमने खरीद लिया। ये हॉर्न ना अपने आप बजता है मेरा, तो ये हॉर्न अपने आप बजाता है। यहाँ पे गाड़ी में एयर तो ठीक है, एयर भरा के फायदा नहीं है। पहले मैं वीडियो बनाता था लीनियर मोड पे, उसके बाद क्या हुआ कि आजकल मैं सुपर व्यू यूज़ कर रहा हूँ गोप्रो का, क्योंकि एक्चुअली मैं सेटिंग उसे सुपर व्यू में रखता था पहले जब मैं बाइक चला रहा था, लेकिन कुछ दिन में मैंने जब ब्लॉगिंग वैसे स्टार्ट की थी कार से, तो एक्चुअली क्या हुआ कि सेटिंग ज़्यादा ख़राब होगी तो लीनियर मोड में आ गया, तो उसे सुपर व्यू में पूरा व्यू साफ साफ दिखाई नहीं देता। मैं सोचता कि गोप्रो में कोई दिक्कत होगी होगी, लेकिन बाद में मैंने सेटिंग देखी, तो सेटिंग में मैंने ये पाया कि मैंने सारा सुपर व्यू उसका बंद करके रखा हुआ है, तो ऑलमोस्ट अपने सारे काम बाहर के हो गए। अंदर जाते पहले हाथ सैनिटाइज करने अपने, ये देखो हॉर्न अपने आप बज रहा है, मैं नहीं बजा रहा हूँ। हॉर्न क्या है ना, हॉर्न का स्विच थोड़ा ढीला हो गया, तो ऐसे ही उसके ऊपर पॉलिथीन ये जो मैंने लटका रखी है, जैसे ही वो पॉलिथीन रख रहा हूँ तो उसके बाद हो जा रहा है। तो अपनी बाइक तो यहाँ खड़ी होती है, कार यहाँ पर खड़ी हुई है, बाइक के लिए जगह मैंने उधर से निकाली थी तो उधर से डालनी पड़ेगी। बाइक की पार्किंग है यहाँ पे, अभी भी लिफ्ट सही नहीं हुई है, तो फिर से वो करके आना पड़ेगा। वैसे इसमें दो लिफ्ट हैं, एक उस साइड है एक साइड है, लेकिन अभी क्या है कि सेहत के लिए ये सही है कि अपना सीढ़ियाँ क्रॉस करते हुए जाओ आराम से। क्या बन रहा है भैया आज? बोल नहीं रही है तुम, क्या बात? आज निहारिका बना रही है गाजर का हलवा, आज वो वीडियो नहीं कर रही हो तुम सूट, क्या बात? डाल रखा है इसलिए पहले? चुप चुप हो, बोल नहीं रही हो, क्या बात? नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं कि काम ज़्यादा हो गया है इसलिए। तो निहारिका बना रही है पूरे महीने भर के लिए गाजर का हलवा, देखो मेरे बारे में है कि दो दो बना रही हो तुम, क्या वो ऐसा? मम्मी के लिए है। मम्मी के लिए शुगर फ्री वाला बन रहा है, हम लोग के लिए चीनी वाला बन रहा है। तुम्हारा एक काजू है, एक ही साथ में और मीठा वाला अलग कर दिया ना, ये सब डाल दिया और चीनी। सही है, सही है। तो डबल काम हो गया तुम्हारे लिए, फिर कोई बात नहीं। हम दोनों चुपचाप से बैठे हुए हैं और यहाँ मोबाइल चलाए हुए हैं और धूप सेक रहे हैं। देखो आप, ये होता है बुढ़ापा, आराम से। ऑलमोस्ट देखिए लंच अपना बन चुका है, थोड़ा बाहर बालकनी में आड़ती तो धूप, तो मैंने बोला कि भैया निहारिका से, मम्मी पापा का तो फास्ट है, तो मैंने कहा निहारिका से मैं ही बैठ के खा लेता हूँ धूप में ही, तो धूप भी सेक लेंगे साथ साथ में खाना भी खा लेंगे। ये देखिए इसने बनाई है हाँ गडेरी का, तो इसने बना दिया है हलवा, गडेरी डाल के मैंने बनाई थी इसने घैट की दाल, थोड़ा पहाड़ी खाना होता है ना, तो होता है गरम,
तो पहले खाते हैं लंच। लंच पहाड़ी खा के बड़ा मज़ा आता है, दिल में उन्हें खुश होता है, क्योंकि दिन में अभी घर वालों के साथ हो ना, चना चावल तो नसीब नहीं होता एक हफ्ते तक पूरा। आज घर वालों के साथ हो तो दिन में चावल भी मिलेगा गर्मा गर्म, वही पहाड़ी खाना। कल यूँ देखो लगी है ये अपने अचार अचार सब डाल के लाई हुई है, आपके में भी डाल दिया मैंने। हाँ, मेरे अच्छे से डाला है। जब मैंने बोला तब डाला, वो भी मूली का अचार है और मिर्च का अचार जो उसने बनाया हुआ है। डाल डाल अपने उसमें, बहुत अच्छा हो रहा है। तो अब खाना खाएंगे हम लोग हाथ से, क्योंकि हाथ से खाने का मजा कुछ और होता है। तो चम्मच अब कैमरा पकड़ नहीं पाऊंगा मैं, तो हम लोग करते हैं लंच। ठीक है, तो अभी कुछ देर में सोया था तो देखो निहारिका ने जो हलवा बनाया था ना दिन में, तो वो हलवा निहारिका मेरे लिए लेके आई हुई है। अभी थोड़ा टेस्ट करते हैं इसको, देखते हैं। वैसे तो मैंने उसे बोला था कि देखते हैं कैसा हो रहा है। क्या लेके आई हो अब? तो मुझे खिला खिला के मोटा कर दो कि बाद में बोलना मोटा हो गया मोटा हो गया कि। ठीक है देखो, अभी कुछ देर पहले गाजर का हलवा लेके आई थी, अब लेके आई है ब्रेड और चाय। ब्रेड वो भी लाई लेके आई, टोस्ट बना के लाई है, मतलब घी बना के आई है। इधर ही अपना गोपो पड़ा हुआ है, इधर मोबाइल पड़ा हुआ है। तुम नहीं खा रही हो क्या? अपना तो मिर्ची की तरह पतला होना चाहती हो, मेरे को कद्दू की तरह मोटा करना चाहती हो। तो कल की ट्रेनिंग थी मम्मी के लिए, पूरी पर्याप्त नहीं बैठी, तो मेरे लैपटॉप लेके बैठे हुए। फिर मम्मी को दोबारा सिखा रहा हूँ, इस बार निहारिका को भी सिखा रहा हूँ। अभी ये ध्यान दे रही है, लेकिन बाद में अभी तो इसके वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, इसे खुद करने पड़ेंगे तो इसको पता चलेगा। फिर ये पूछेगी, फिर मैं बताऊंगा। क्या तो मत यहाँ पे बैठो और यहाँ आके सीखो। हाँ थोड़ा बहुत नहीं, पूरा बहुत करना पड़ता है वीडियो अपलोड करना, तो मैं इन लोग को सिखा रहा हूँ वीडियो अपलोड करना। फिलहाल अभी सो के उठा हूँ, अभी बजे हैं शाम के 6, तो दोबारा अपने दिन की शुरुआत हो रही है फिर से। तो वीडियो अपलोड करते हैं, फिर दिखाते हैं आगे और कोई बहुत सारे काम बचे हुए भी। कि लोग आते हैं वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। एक बार वीडियो बनाने में पूरी दिन की मेहनत लगती है। अभी निहारिका ने ये पूरा जो इडली सांभर का जो कल बनाया था, अभी मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, उसको निहारिका ने खुद ही एडिट किया। तो उसे एडिट करते करते ऐसे लगा 1 घंटा, फिर अपलोड करते करते हो गया 1 घंटा, फिर ये जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, नीचे टैग्स हैं, वो सब लिखने लगते लगते 2-3 घंटे लगाते। तो आम आदमी की आंखों में दर्द होता है, और लोग सोचते हैं कि लोग आते हैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो डालते हैं, ऐसे वीडियो डालते हैं, इसमें मेहनत लगती है। हाँ, किसी का कंटेंट अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसी का कम है, बस यही चीज़ का फ़र्क है। बाकी मेहनत सब लोग बराबर बराबर करते हैं। जो बड़े यूट्यूबर हैं वो लोग थोड़े 2-3-4 घंटे मेहनत और ज़्यादा करते होंगे, या हमसे कम मेहनत करते होंगे, क्योंकि उनको तरीका अभी से पहले से पता है। लेकिन सब लोग के साथ ऐसा नहीं होता है। अभी देखो इसको भी, ये दिन के करीब 3 या 3:30 बजे से लगी थी, अभी शाम के 7 बज चुके हैं। अब इसका वीडियो होगा अपलोड, अभी हमने प्राइवेट किया हुआ है, इसे पब्लिक करेंगे तो सीधे सारे सब्सक्राइबर के पास आ जाएगा। ये है इसके चैनल का नाम, आपकी रसोई। अभी ये 15 मिनट में बनाए होटल से भी अच्छी इडली सांभर, मतलब ये ऐसा टाइटल इसने ऐसा बना रखा है। तो ऐसा मतलब इतना टाइम लग जाता है अपलोड करने में, मतलब ये चीज़ ऐसा ही नहीं कि मजाक की है, जो भी है मतलब अच्छा है। मम्मी अपना वीडियो ना अभी फिर पूरा का पूरा अपलोड कर रही है खुद। क्या स्पेलिंग? एक परिवार लिखो, एक ई ए के एक। वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, ई के एक हो गया, एक। तुम यहीं पर ही ऐसा करो ना, सुनो तुम यहाँ पर हिंदी में यहाँ लिखते रहो। ये देखो, ये यहाँ पर तुम्हारी हिंदी टाइपिंग हो जाएगी। देखो ये हिंदी टाइपिंग टू इंग्लिश हिंदी होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं तो उसकी जगह पे हिंदी में आ जाता है। तो मम्मी का चैनल हिंदी वाला है, मतलब वो हिंदी में ही अपने गाने लिखते, तो यहाँ पर टाइप करेगी इंग्लिश में, लेकिन जैसी स्पेस देगी तो वैसे हिंदी में आ जाएगा। तो मम्मी को दिखाता हूँ वैसे ही। आपने क्या सीखा बताओ? थोड़ा बहुत सीखा, आया कहाँ अभी। अब तो पूरा आ गया, अब तो वीडियो तो अपलोड किया ना आपने। थोड़ा बहुत क्या क्या सीखा ये तो बताओ मेरे को। तो मैंने पहले सीख लिया था, अभी भूल गई। लैपटॉप से करना नहीं सिखा था ना आपने? हाँ, लैपटॉप से। मतलब अगर आपको गूगल क्रोम पे हम डेस्कटॉप साइट कर देते थे तब मम्मी के समझ में आता था। अभी क्या है कि वो यूट्यूब स्टोर था, उसने चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से मम्मी के समझ में नहीं आ रहा है, वो गड़बड़ा जा रही है उसमें। तो उसमें बार बार मोबाइल में क्या होता है ना, क्रोम में जाके फिर डेस्कटॉप साइट करना पड़ता है, मम्मी को इतना आइडिया नहीं आता।
पर उसके थोड़ा अपडेट आ गया तो उसकी वजह से और दिक्कत होगी। तो आज क्या क्या सीखा है? एक यूट्यूब लैपटॉप से कैसे लैपटॉप से थोड़ा अपलोड करना, वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, और दूसरा क्या सीखा? वीडियो बनाते कैसे, वीडियो बनाते कैसे, वीडियो मतलब मेरे गोप्रो से आपको वीडियो कैसे बनाना है ये तो सीखा। हाँ। मेरे गोप्रो माइक एक लाके वीडियो बनाना, आप मोबाइल से बनाते हो तो आप गोप्रो से बनाएंगे हम लोग, है ना। तो ये है रात का डिनर, रोटी और आलू मटर की सब्जी। ये है सत्यनारायण जी का प्रसाद। अभी तक हम लोग कर रहे थे पूजा, मम्मी पापा लोग का है फास्ट, तो पहले वो लोग खा रहे हैं। निहारिका का मैं वेट कर रहा हूँ, निहारिका आएगी बैठेगी। तो अभी देखिए ना, हमने जब निहारिका का बर्थडे में सेलिब्रेट किया था तो मैंने एक फ़ोटो फेसबुक पर डाली थी, तो इस फोटो पे करीब 455 लाइक आए हैं और 234 कमेंट आए हैं। तो इस फोटो से हमको एक चीज़ सीखने को मिली है, एक कि मतलब अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा वेट करो थोड़ा सा। तो इससे ये बात पता चली हुई है, नानू नानू देखो शर्मा कैसे रही है। ये मैं इससे पूछता था कि इतना बड़ा तुम्हारा नाम है निहारिका निहारिका, है ना। मैंने कहा घर वाले जोर जोर से कैसे बोल दोगे निहारिका निहारिका। मैंने कहा अब जैसे मैं हूँ तो मेरा घर का नाम बॉबी है, तो घर वाले बॉबी बोलते हैं, तो ऐसा किसने किसने का नाम छोटा नाम होता है ना, घर वाले छोटा छोटा नाम रखते हैं। तो मैं उससे बोलता था कि निहारिका तुम्हारा घर का नाम क्या है, नेम क्या है। बोले नहीं मेरे को निहारिका ही बोलते हैं। तो परसों क्या हुआ कि जो मैंने फ़ोटो डाली फेसबुक पे, तो उसमें 234 कमेंट आए थे, उसमें इनके कुछ रिश्तेदारों के भी आए थे, तो उसमें चार रिश्तेदारों ने हैप्पी बर्थडे नानू लिखा हुआ था। तो निहारिका की उसने चोरी पकड़ेगी। है देखो अब तो है ना तुम्हारा नाम नानू घर का है, बोलो नहीं। तो नानू क्यों बोलते हैं तुमको लोग? नानू ही बोला जाता है। अच्छा नानू ही बोला जाता है मतलब प्यार से। अच्छा नानू नाम सब प्यार से, मम्मी पापा लोग मुझे बॉबी बोलते हैं, नो मैं बॉबी। तो ऐसे नहीं है निहारिका का नाम आज से नानू। तो बाकी ठंड का कहर ना बहुत जबरदस्त है, ठंड का कहर इतना जबरदस्त है कि मेरे देखा टेम्परेचर है करीब 10 डिग्री के करीब है अभी फिलहाल। तो ये है रात का कुछ ऐसा सीन, देखिए ना इतनी रात में। अब आप सोच रहे होंगे कि रात में कहा जा रहा है। सो गाइस ये है ड्यूटी टाइम, हम लोग जा रहे हैं ड्यूटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से। अभी के लिए शुभ रात्रि आपको बहुत बहुत, और ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय दोनों जय उत्तर।